अस्सलाम वालेकुम क्लास मैम, कैसे हैं आप सर? पिछली क्लास में हमने कारवाई उर्दू का काम किया था, सबक था सूरज चाचा। आपने ये काम कम्प्लीट कर लिया है? आज हमने कारवाई उर्दू का नया चैप्टर स्टार्ट करना है, चांद और तारे। ठीक है, सबसे पहले इसका हम देखेंगे इसमें क्या लिखा है। इलामा इकबाल की नज़म है चांद और तारे। ठीक है, चांदनी रात थी, हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी, जल्द ही सुबह होने वाली थी। तारों ने चांद से कहा, हम तो चमक चमक कर थक गए हैं। क्या कहा? हम तो चमक चमक कर थक गए हैं, क्या हमारा कभी ये काम खत्म होगा? वो बेचारे जो तारे थे वो चांद के साथ गिला शिकवा कर रहे थे कि हमें तो बहुत चमकना पड़ता है, कि ये तो बहुत मुश्किल काम है। जो भी मुश्किल काम करे उसे थोड़ी सी मुश्किल तो होती है ना। तो इसी तरह तारे भी चांद को यही कह रहे थे कि हम तो चमक चमक कर थक गए हैं, कि हमारा कभी ये काम खत्म भी होगा। तो फिर चांद जो था उसने बड़े प्यार से कहा कि हमारी पहचान हमारे काम से है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो कोई भी हमें नहीं पहचानेगा, हमारी इज्जत नहीं होगी, हमारे काम ही की वजह से हमारी इज्जत होती है। तारों की समझ में चांद की बात आ जाती है और वो दोबारा से चमकना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारी पहचान भी हमारे काम से है। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि आपने काम मुकम्मल कर लिया है इसी वजह से। ठीक है, क्योंकि हमारी पहचान हमारे काम से होती है। अगर हम अच्छा सा काम नहीं करेंगे, अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे, तो कोई भी हमें नहीं पहचानेगा, कोई भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। ठीक है, सब कहेंगे कि लो जी ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, ये तो काम ही नहीं करते, ये तो फ्री रहते हैं, ये तो फारिग है, ऐसे है ऐसे है। ठीक है, तो आपने भी चांद जैसे तारों की समझ में चांद की बात आ गई थी, आपकी भी समझ में आ जानी चाहिए कि अच्छे बच्चों को भी काम अच्छा सा करना चाहिए, कभी भी अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कभी भी अपने काम को छोड़ना नहीं चाहिए। जब जो बच्चे कहते हैं ना कि आज नहीं काम कल कर लेंगे, कल नहीं फिर कर लेंगे, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। डेली का काम डेली करना चाहिए, वक्त पर करना चाहिए। ठीक है, अब हम इसका काम देखते हैं। सबसे पहले आपने इमला के अल्फाज सर्कल करने हैं। इमला के अल्फाज सर्कल करें। चांदनी सबसे पहली लाइन है, चांदनी रोशनी सुबह, इसके बाद चमकते चमकते खत्म, नेक्स्ट पेज पर साथियों पहचान कामयाब पसंद समझ। ठीक है, ये मैंने आपको इमला के पास सर्कल करवाए हैं, आपने इनको पास को सर्कल करना है और फिर इनकी इमला करनी है। ठीक है, अब इसके बाद अल्फाज मायने। सबसे पहला लफ्ज है जी चुराना, इसका मतलब काम ना करना। काम ना करना, इसके बाद दिल लगाकर अच्छी तरह इसके बाद है नूर रोशनी, नूर का मतलब रोशनी। चांद ने तारे को समझाया कि अगर तुम नहीं चमकोगे तो अल्लाह का नूर कैसे फैलेगा, इसका मतलब कि रोशनी कैसे फैलेगी,
रात को जब हर तरफ अंधेरा अंधेरा हो जाता है, अगर हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें सितारों की हल्की हल्की चांद की रोशनी नजर आती है, हमें चमकते हुए नजर आते हैं, वो नूर होता है, उसको नूर कहा है। इन पास को तोड़ कर लिखिए। रोशनी चांदनी रोशनी चमकते पहचान। चलिए अब इसके तोड़ लिखिए। रोशनी चमकते पहचान के की टूटी शक्ल कौन सी? ये गोल के, ठीक है। जुड़ी शक्ल उसकी इस तरह से छोटी के बन जाती है, और जब हम उसको तोड़ कर लिखेंगे तो ये बन जाएगी पहचान। ठीक है, सबसे पहले लिखा ये पास मैंने लिखे, जी चुराना काम ना करना, दिल लगाकर अच्छी तरह नूर रोशनी, उसके बाद इल्फाज को तोड़ कर लिखे, चांदनी रोशनी सुबह चमकते पहचान। इस लफ्ज को ना सुबहानी पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं सुबह, ठीक है। इसके बाद हम हरूफ को जोड़ कर लिखेंगे।
समझ आ रही है कौन से पास होंगे ये? जी कुछ समझ आ रही है कौन से अल्फाज हैं ये? सबसे पहले देखें खत्म पे ते नी खत्म, ठीक है। उसके बाद साथियों ई छोटी के ई साथियों, ले की छोटी शक्ल दो नुक्ते, ये की छोटी शक्ल छोटी ये हो या बड़ी ये हो उसकी जुड़ी शक्ल कौन सी होती है? दो नुक्ते बन जाती है। जहां पर इस तरह के लफ्ज आते हैं ना, हरूफ आते हैं थ झ इस तरह के जो भी मोटी आवाज वाले, वो फिर हम उसको अलग नहीं लिखते, उसको एक साथ जोड़ कर ही लिखते हैं। उसकी अपनी एक पहचान होती है भारी अल्फाज वाले आवाज वाले अल्फाज। कामयाब समझ झ जैसे अभी आया है, इसके साथ ही हम जोड़ करके लिखेंगे। प्यार हरूफ को तोड़ कर लिखी, हरूफ को जोड़ कर लिखी है। सबसे पहला लफ्ज खत्म, साथियों कामयाब समझ प्यार, ठीक है। छोटी ये हो या बड़ी ये हो उसकी जुड़ी शक्ल क्या हो जाती है? दो नुक्ते, दो नुक्ते। जहां भी छोटी ये या बड़ी ये जहां भी ये आएगी, जब हम उसको जोड़ कर लिखेंगे तो वो दो नुक्ते की शक्ल बन जाती है, ठीक है। इसके बाद सवाल जवाब। अच्छा जी, पहला सवाल है तारों ने चांद से क्या कहा? क्या कहा था तारों ने चांद से? हम तो चमक चमक कर थक गए। ये काम आपने बुक के ऊपर ही यहाँ पर करना है, ठीक है। यहाँ पर सवालों के जवाब यहाँ पर लिखने हैं, अल्फाज मायने और तोड़जोड़ कॉपी पर करने हैं। तारों ने चांद से क्या कहा? तारों ने चांद से कहा हम तो चमक चमक कर थक गए।
तारों ने कहा हम तो चमक चमक कर थक गए, हमारा ये काम कभी खत्म भी होगा या नहीं। अब आपने ये करना है कि अगर यहाँ पर आपके पास लाइन कम हो जाए, स्मॉल हैंड राइटिंग में लिखे, अगर लाइन फिर भी कम हो जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी नीचे एक लाइन और छोटी सी और ड्रॉ कर लें खुद से, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर लें, फिर आपका पूरा जवाब आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, चांद ने तारों को क्या समझाया? जी चांद ने तारों को क्या समझाया था? चांद ने कहा हमारी पहचान हमारे काम से है, चांद ने कहा हमारी पहचान हमारे काम से है, जो लोग काम से जी चुराते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। अगला सवाल है, आपने इस कहानी से क्या बात सीखी? अब आपने अपना बताना है। आपने इस कहानी से क्या बात सीखी? इसका जवाब आप खुद से, इसके अलावा मैंने बोर्ड पर लिखा है हमें दिल लगाकर काम करना चाहिए। अगर आप इसके अलावा अगर आपने कुछ और सीखा है, आपको कुछ और समझ आई है तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपने इस कहानी से क्या बात सीखी? हमें दिल लगाकर काम करना चाहिए। इसका क्या मतलब कि आपके जिम्मे जो भी काम लगाया गया है, लिखने का हो पढ़ने का हो, तो वो आपने उसे अच्छी तरह से दिल लगाकर करना है। दिल लगाकर करने का मतलब होता है कि टाइम पर करना है, सोच कर करना है, समझ कर करना है,
और खुश दिली से करना है, खुश होकर करना है। ये नहीं समझना कि ये क्या मुश्किल पड़ गई है, हम किस तरह से करेंगे, इस तरह से नहीं करना, ठीक है। तो फिर इसका मतलब होगा कि आपने दिल लगाकर काम किया है। अगर आप काम देखकर नाराज हो जाए कि इतना मुश्किल है, मुझसे नहीं होता, ये कैसे हो वैसे हो, इसका मतलब कि आप काम से जी चुरा रहे हैं, आप काम नहीं करना चाहते, ठीक है। अब आपने ये पूरा काम अच्छी तरह से करना है। नेक्स्ट क्लास में भी मैं पूछूंगी आप लोगों से कि आपने दिल लगाकर किया था या काम से जी चुराया था, ठीक है। जी।